जहानाबाद के एलोड्राम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में छात्र छात्राएं इंडियन आर्मी, कोस्ट गार्ड, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी और आदि के फिजिकल एग्जाम की तैयारी करते हैं, दौड़ लगाते हैं, जोरदार मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ असुविधाएं के कारण उन्हें परेशानी होती है, जिसके लिए वो जहानाबाद के डीएम महोदय से गुहार लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं बीपीडीएम न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं जहानाबाद के एलोड्राम में और यहाँ पे जो है फिजिकल की तैयारी करने वाले आर्मी के स्टूडेंट हैं। लाइट का सुविधा जो है इस ग्राउंड में जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, ये जहानाबाद का एलोड्राम है और यहाँ पे जो है लाइटिंग का सुविधा नहीं है। अभी कुछ समय बीतेगा तो यहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरे हो जाता है और एक शौचालय भी बाहर में जगह है, अच्छा खासा जगह है, उसको एक शौचालय का भी व्यवस्था यहाँ पे अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। बता रहे हैं कि ना तो पीने के लिए यहाँ पे पानी है, ना तो शौचालय के लिए शौचालय है, टॉयलेट वगैरह भी नहीं है। ये सब का जो है प्रतिबंध एलोड्राम में होना चाहिए और जहानाबाद के डीएम महोदय और बिहार सरकार आपके द्वारा कोई प्रावधान निकाल के इसको जल्द से जल्द ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जो है लोकल गाँव का भी हो या फिर दूर दूर के भी बच्चे यहाँ पे आके तैयारी करते हैं। जहानाबाद जिला हो गया, बगल में अरवल जिला हो गया और पटना से भी लोग जिला हो गया, गया हो गया, नालंदा हो गया, बिहार से, मतलब कि पंसाद जिला के इस ग्राउंड पे मतलब तैयारी करता है और हर बार वैकेंसी में आप पता लगा लीजिएगा जहानाबाद जिला से जो भी इस ग्राउंड से तैयारी करता है, इसका मतलब कि से जो भी परफॉर्मेंस है आप पता लगाइए उसके बारे में, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अभी बिहार पुलिस के फिजिकल चल रहा है उसमें भी पता लगाइए जहानाबाद जिला के जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, जहानाबाद जिला के प्रॉपर हम नहीं बोल रहे, जो यहाँ पे जो भी जिला के बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है उसका परफॉर्मेंस के बारे में पता लगाइए। और नहीं विश्वास है तो मतलब महीना डेढ़ महीना के बाद मेरिट लिस्ट आने वाला है, हर जिला के बच्चा आपको यहाँ पर मिलेगा जो एक मेरिट लिस्ट लेके खड़ी रहेगा, आप उसको आके देखिए। बच्चे तैयारी करते हैं इंडियन आर्मी के या फिर डिफेंस में कोस्ट गार्ड का, तो ट्रेनर के तौर पे यहाँ पे विकास सर हैं और इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चे तैयारी करते हैं, क्या क्या जो है फिजिकल में होती है। बात सर, क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार सिंह। एकेडमी चलाते हैं फिर ऐसे ही बच्चे? हाँ, बस ऐसे ही ट्रेनर के तौर पर लड़का लोग को ट्रेनिंग देते हैं, जो अगर इच्छुक है जो उसको ट्रेनिंग देते हैं ताकि अच्छा रनिंग, अच्छा फिर फिजिकल में कैटेगरी में जो हाई जंप, लॉन्ग जंप जो भी आता है, रनिंग जो होता है 1600 मीटर का इंडियन आर्मी में, तो कितना देर तक मतलब कि आपके जो भी बच्चे हैं तो आप सबसे कम समय में तो और कितना अभी तक रिकॉर्ड बना है? कम समय में वो लड़का को डिपेंड करता है वो किस तरह से डाइट, किस तरह से रेस्ट ले रहा है। अगर जो लड़का 7 या 8 मिनट में भाग रहा है, 3 महीना तक आकर के थोड़ा मेहनत करे, गाइड ले, अच्छा से रनिंग करे तो 5 मिनट के अंदर दौड़ सकता है, लेकिन 3 महीना उसको देना पड़ेगा एग्जाम में, तो वो 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। और इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है, लॉकडाउन लगा था तब से ही, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा आर्मी का वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या इशू है, कब क्या लेना है, ये तो सब उसके पास डिपेंड रहता है कब उसको भर्ती लेना है, उसके बारे में हम नहीं पूछ सकते। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2 साल से 3 साल से, जिनका लास्ट ईयर बच रहा होगा इसका, उनका तो एज खत्म हो जाएगा, तो कैसे मतलब कि अपने मंजिल में, लक्ष्य में जो है आगे बढ़ पाएंगे इतना मेहनत के बाद? इंडियन आर्मी ही नहीं है, अगर जिसका थोड़ा एज इस तरह से हो रहा है तो एसएससी, जीडी या फिर बिहार पुलिस या और तरह के डिफेंस का आता है उसका कर सकते हैं। इंडियन आर्मी का 21 साल या 22 साल है ना? 21 साल है तो, और जैसे CRPF, CISF, BSF ये सब का भी निकलता है, 25 साल तक एज रहता है उसका, कर सकते हैं। हतोत्साहित नहीं होना है, निराश नहीं होना है। और इस पिच जो है यहाँ पे ट्रैक जो बना हुआ है, ट्रैक के लिए जो है कुछ सुविधा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जहानाबाद के डीएम साहब के द्वारा? यहाँ पे जो है कोई गार्ड हो एक दो जो इस पिच का ख्याल रखे, रेगुलर जब गर्मी पड़ता है तो पिच में तो दरार आ जाता होगा ट्रैक में, तो इसको पटवन के लिए ये सब के लिए होना चाहिए सुविधा। और बच्चों के लिए जो है टॉयलेट के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, लड़के लड़कियाँ दोनों आती है, तो ये सब सुविधा होना चाहिए कि नहीं? ना, इधर है टॉयलेट वगैरह तो है, बाकी धीरे धीरे सुविधा बढ़ रहा है पहले की अपेक्षा। ग्राउंड में भी कभी कभी इसको लड़का लोग फटाता है, ये करता है, कभी थोड़ा क्रिकेट मैच वगैरह हो रहा है जिसके चलते इधर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो धीरे धीरे इसका ख्याल रखा जा रहा है टीम साहब के द्वारा, काम हो रहा है।
टॉयलेट के लिए क्या बोलेंगे, जो बच्ची जो है लड़कियां जो है यहां पे आती है तो टॉयलेट का सुविधा होना चाहिए कि नहीं? टॉयलेट का सुविधा है, अंदर में लड़के जाके ताला बंद रहता है? ना ना, वो रहता है सुबह में, रहता है टॉयलेट का सुविधा, और बाहर में भी टॉयलेट का सुविधा बनाया गया था, लेकिन कुछ असामाजिक लड़के हैं जो उसको तोड़ दिए, नहीं तो वहाँ पर तो सुविधा बना हुआ था, लेकिन अब क्या किया जाए, कुछ लड़कों के चलते सबको परेशानी करना पड़ रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर से हम जाने, जो बच्चे यहाँ पे परेशानी बता रहे थे कि यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा नहीं है, यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, ग्राउंड में नल का टोटी है कहीं पे, तो ये सब असुविधा बता रहे थे। नल का टोटी है यहाँ पर, और बाकी टॉयलेट का है तो अंदर में इस तरह से रहता है तो कर सकता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सुधार हो रहा है, सुधार की लेकिन जरूरत है कुछ, सुधार हो रहा है, हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत से बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा है, उनसे बात करेंगे कि कब से ये तैयारी कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? गया जिला के, यहाँ पे जहानाबाद में डेरा वगैरह लेकर रहे हैं। चलिए, तो कब से तैयारी कर रहे हैं आप? 2 साल से। भर्ती अभी एक आध बार जो है आपने अप्लाई किया है, उसके बाद भर्ती नहीं है ये दोबारा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे भारत सरकार को कि क्यों भर्ती नहीं आ रही है? बहुत लोग का तो एज ही खत्म हो गया, भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि एज में छूट दिया जाए, एज में रिलैक्सेशन मिले, बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका समय बर्बाद जा रहा है। कितना देर में आप 1600 मीटर का जो दौड़ होता है कितना देर में पूरा कर लेते हैं? 5-10 में पूरा कर लेते हैं, ठीक ठाक है। और फिजिकल का तैयारी आपका कैसा है, ट्रैक पे कैसा चल रहा है? एलोड्राम सुविधा काफी मिल पाता है यहाँ पे पीने के लिए पानी? कुछ लोग नहीं बोल रहे थे कि पीने के लिए पानी नहीं है अंदर में नहीं है, बाहर में तो है, अंदर में टॉयलेट का सुविधा नहीं है, टॉयलेट का नहीं है, लेकिन बंद पड़ा। चलिए, टॉयलेट वगैरह अभी तो नहीं है, लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चलिए, और कुछ बताना चाहेंगे अपने जो युवा पीढ़ी है उनको, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो आर्मी में आने चाहते हैं? यदि अभी जो है छोटे आपसे होंगे, जो सपना देखते होंगे किस तरीके से आर्मी में तैयारी होती है, कुछ बताना चाहेंगे? मेहनत करें, लगन से, क्या क्या होता है, मतलब कि कितना, मतलब रनिंग बीम होता है, चीज होता है, सबको ये सब जो है रखना पड़ता है। हमारे यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है पिच के लिए हम बात कर रहे थे लोगों से, ट्रैक के लिए, ग्राउंड के बारे में, तो बताने के लिए एक व्यक्ति तैयार हुए हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नंजय कुमार है, मैं एक्स पीटी ऑफिसर नेवी से हूँ जी, अभी मैं यूनियन बैंक में एज हेड कैशियर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे ग्राउंड की स्थिति के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, स्थिति अच्छी नहीं है। आप स्टेडियम के देखें तो यहाँ पे वाटर लेवल देखिए, नाला बनाया गया है वाटर ड्रेनेज के लिए। आज किसी भी स्टेडियम की बात की जाए, छोटे या बड़े हो, तो वहाँ तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है वाटर ड्रेनेज की। तो यहाँ पे ड्रेनेज की सिस्टम देखिए कि ग्राउंड से नाला ऊपर है, उसको भी भर दिया जा चुका है, अंदर पानी जाने के लिए कोई उपाय नहीं है। ये लड़के जब दौड़ते हैं तो इनको इंतजार करना पड़ता है कि जब बारिश हो जाती है तो 2-4 दिन ये इंतजार करते हैं तब जाके सूखने का। ड्रेनेज बिल्कुल नहीं, देख सकते हैं लेवल डाउन है। देखिए वहाँ पे नाला जो है देख रहे हैं आप, वो नाला देखिए कितना जो है और वो भी भरा जा चुका लगा है। एक मिनट थोड़ा सा और आगे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो नाला आप देख रहे हैं, ये नाला देखिए बहुत जो है यहाँ पे ऊंचा पे नाला है और नाला भरा जा चुका है। नाला प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था की गई थी, यही नाला है यहाँ पे बनाया गया है आप देख रहे हैं जो, और ये जो है ग्राउंड है, ग्राउंड से देखिए कम से कम जो है 2-2.5 फीट ऊपर जो है नाला है, और ये नाला में अंदर पानी जाने के लिए यहाँ पे कोई भी छेद नहीं छोड़ा गया है जिससे पानी जाए, ड्रेन होकर अंदर जाए, तो ये पानी ग्राउंड पे ही जमा रह जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे सब जो है भरा हुआ है, और यहाँ पे जो है ड्रेनेज होकर पानी जो है नाला में जाए इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है, पानी जो है ग्राउंड में ही रह जाता है जी। दूसरा चीज मैं मेन ग्राउंड की बात करूंगा, वहाँ पे बाउंड्री करवाया गया, मार्केशन बहुत अच्छा किया, बाउंड्री में कोई गेट की व्यवस्था नहीं है, एक जिससे सारे ट्रैफिक मेन रोड होते हुए भी ग्राउंड में ही आते हैं, लोग गाड़ी सीखते हैं इसके लिए नहीं है,
ऐसा व्यवस्था हो, ऐसा गेट लगाया जाए, या रेलवे स्टेशन पे आप देखे होंगे ऐसी व्यवस्था होती है कि जिससे कोई एक आदमी के अलावा कोई इंटर नहीं कर सकता उसके अंदर, तो ऐसी व्यवस्था किया जाए जिसको कि मूवेबल बाद में कुछ इलेक्शन के टाइम ड्यूटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा भी, सो दैट उसको रिमूवेबल हो, उसको रिमूव कर दें ऐसा नट बोल्ट से फिक्स करके, ताकि आप इलेक्शन के टाइम में उसको एज ए पार्किंग यूज़ कर सकते हैं। या गेट ऐसा लगा दीजिए कि जिससे आदमी केवल आ पाए और कोई इसमें भैंस जानवर या गाड़ी का एंट्री नहीं हो, जिससे वो ग्राउंड की स्थिति बहुत ही खराब है। मेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च हो चुका है, आपने बाउंड्री में जो मेन खर्च था वो लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद एक उसमें कोई अनऑथराइज एंट्री के लिए को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है, इस वजह से ग्राउंड की स्थिति खराब है। तो मैं जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार इस पर ध्यान दें, ज़्यादा बजट की अब जरूरत नहीं है, एक समान लेवलिंग आप कराएं और इसको अनऑथराइज एंट्री को रोक दें, जिससे केवल लोग एंट्री कर पाए, कोई गाड़ी नहीं हो उससे हमारा ग्राउंड रियली आज हमारे लिए ये बहुत ये हमारा ये एसेट है हमारे शहर का, यही एक जगह है जो आपके यहाँ रोजगार पैदा कर रहा है, और कोई रोजगार पैदा करने के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत कोई ये जगह है, आप कहीं से पढ़ के आए लेकिन यही पे आज लड़के हैं जो दौड़ करके अपने मेन रोजगार, जो अब हमारे यहाँ ज़्यादा नौकरियाँ रह गई फौज में या मिलिट्री पारा मिलिट्री या पुलिस में, यहीं से लड़के ले रहे हैं। तो मैं इस जगह को प्रशासन से यही कहूँगा कि इस जगह पर विशेष ध्यान दिया जाए, जल्द से जल्द इसको कर दिया जाए, इसको अच्छी तरीके से जो है मरम्मत किया जाए और जो ट्रैक वगैरह है उसको अच्छी तरीके से बनाया जाए। मेरा भी दो सजेशन था जी, क्या नाम है प्रशासन से? मैं एक सारू हवलदार नीरज कुमार। यहाँ सिक्योरिटी लाइट नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घरों में अपने फादर्स के साथ पेरेंट्स के साथ खेतों में काम करते हैं, वो अपने समय से देखता हूँ मैं अंधेरे में दौड़ते हैं, तो यहाँ पर कम से कम बाउंड्री के साथ सिक्योरिटी लाइट हो ताकि उस बच्चे का पैर न फ्रैक्चर हो सकता है कोई गड्ढा हो या ये। दूसरी बात है कि बच्चे दौड़ते हैं मेहनत करते हैं, पर मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ मैं कितना एफर्ट लगा रहा हूँ, इसके लिए कम से कम एक डिजिटल वॉच हो ताकि वो अपनी टाइमिंग सुधार सकें। मेरा ये दो, और तीसरी बात कि यहाँ लड़कियाँ बहुत आती हैं, बहुत सारी सुबह सुबह माताएँ आती हैं, अंदर में टॉयलेट का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी बच्चा कहीं भी टॉयलेट कर देता है, ये बहुत मतलब अपमान है इस ग्राउंड का। पानी का व्यवस्था किया गया लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से किया गया, जी लेकिन इसका भी पानी निकलने का रास्ता हो, ट्रैक के ऊपर पानी आता है, बच्चा उस कीचड़ में उसका जूता खराब होता है, पैर खराब होता है, तो कम से कम जो भी काम हो तो उसको कम से कम निरीक्षण तो किया जाए कि प्रॉपर हुआ कि नहीं। दूसरी बात है कि जो भी गर्ल्स हैं जो भी बॉयज हैं कम से कम साइड में टॉयलेट व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब रनिंग करता है हो सकता है उसको अचानक से इस तरह का फीलिंग हो, कहाँ जाएगा वो, ओपन में जाएगा। तो मेरी तरफ से ये जो तीन मतलब सुधार की जरूरत है कि जो मेहनत कर रहा है ये बच्चे ये अपना टाइमिंग सुधार सके कि मैं कितना में डिजिटल वॉच बना, अगर जो अपने घर में काम करके भी अगर जो रात को अपना समय निकाल सके तो सिक्योरिटी लाइट होना जरूरी है, नहीं तो इनका पैर फ्रैक्चर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे आप देख रहे होंगे बैंडेज बांध करके भी प्रैक्टिस हो गया जो है मेरा, लाइट दो भी अगर हो जाए तो इनका यही कहना था कि इस ग्राउंड में सिक्योरिटी लाइट के तौर पे जो है बाउंड्री वॉल पे लाइट होना चाहिए, ताकि अंदर में लाइट जो है इतना पर्याप्त हो सके जो बच्चे शाम के समय अच्छी तरीके से दौड़ सके, साथ ही साथ पीने का पानी का व्यवस्था किया जाए लगाया जाए अंदर में भी, और उसका सिक्योरिटी के तौर पर देखभाल भी किया जाना चाहिए। साथ उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक डिजिटल वॉच लगाया जाए जो बच्चे रनिंग करते हुए दौड़ते हुए उसे देख ले, हर बार उनको जो है कहीं जाकर पूछना ना पड़े, क्योंकि दौड़ते दौड़ते वो किसी के पास जा नहीं सकते हैं पूछने के लिए, जो ट्रैक पर दौड़ रहे उसको वो पूरा करते रहते हैं। धन्यवाद। आपने देखा इस खबर में कि हम जहानाबाद एलोड्राम में किस तरीके से लोगों से बात किए, जो डिफेंस के तैयारी करने वाले एस्पिरेंट थे, चाहे इंडियन आर्मी के हों, कोस्ट गार्ड के हों, बिहार पुलिस के हों, अलग अलग जो है कैटेगरी के यहाँ पे लोग जो थे तैयारी करने वाले, उनका जो मांग था, जो समस्या थी और किस तरीके से तैयारी करने हैं वो हमें आपको दिखाए हैं बेखूबी। और यदि आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।